वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। बस हम आ गए, यहाँ पे एक छोटा सा बीच है और थोड़ा एक रेस्टोरेंट है जो समंदर के किनारे है, रेस्टोरेंट है ना, वहाँ पे भी हम जाएंगे। और एक गांव ही समझ लो ना, ग्रांड बसम, ये क्या है, होटल गोल्डन पैलेस होटल। यहाँ पे होटल वो सब बहुत अच्छी है क्योंकि सिटी बड़ा है तो होटल वगैरह सब बहुत अच्छा है। यहाँ पे बीच है और उसके नीचे पानी है, हम लोग जाएंगे आगे। यहाँ पे पुलिस बहुत होती है तो मैं बार बार मुझे कैमरा बंद करना पड़ता है। ये प्रॉपर गांव स्टार्ट होता है, यानी ग्रांड बासम गांव है और सिटी के अंदर है, पर 25 किलोमीटर ना सिटी से दूर है। फिर हम लेफ्ट साइड गए, ये गवर्नमेंट ऑफिस है साफ, यहाँ की, यहाँ पे भी पुलिस रुकी। आगे कोर्ट है, यहाँ पे ट्रिब्यूनल ग्रांड बासम सेक्शन कोर्ट। देखो यहाँ पे कपड़ा मिल रहा है, बहुत अच्छा चलानी होगी। पेड़ तो देखो कितने बड़े पेड़ है, यहाँ ये एरिया में पुराने घर बहुत देखने को मिलेगा, बहुत, लेकिन कोई रहता नहीं है। और जो गवर्नमेंट का यानी 100-150 साल पुराना है ना सब घर, ये देखो ये भी बहुत पुराना है। ये गवर्नमेंट का ही है, लाक्यू रेस्टोरेंट पिज्जा। ये भी देखो पुराने सब है घर। और ये क्या है, मिशन इंटरनेशनल चर्च। चर्च, लेकिन बहुत अच्छा गांव है, गांव सिटी से बाहर है, ग्रांड बासम नाम है, लेकिन पुराना है तो देखने को बहुत मजा आता है यहाँ पे। और यहाँ पे चारों ओर बीच है, बहुत लोग घूमने भी आते हैं यहाँ पे। सैटरडे संडे फुल होता है सब जगह। पुरानी पुरानी बिल्डिंग बहुत देखने को मिलेगी, बहुत पुराने घर है। ये देखो पुराने घर, जड़े लग गई है पूरे घर के अंदर, पूरा घर में जड़ अंदर चली गई है, कहाँ से निकला पता ही नहीं चलता है। घर है, दीवार है या झाड़ है, तीनों साथ में मिल गए। कोई कोई घर को रिनोवेशन किया है तो थोड़ा अच्छा है, लेकिन जो पुराना वाला है तो आपको दिख ही जाएगा कि ये बहुत पुराना है घर। पुराने वाले, ये हम सामने म्यूजियम टाइप है, म्यूजियम ही है, मंकी सेंट्रल दे कल्चरल, यही है। अभी देखो हमारे यहाँ पे 12 महीने आम होती है ना, यहाँ आम बहुत आई है। देखो ये बड़ा वाला गाड़ी, और देखो ये बड़े बड़े पेड़ के जो जड़े, देखो ये कितना बड़ा है, सब मैंगो ट्री है, मैंगो ट्री है सब। और केरी इतनी आई है, अब देख ये दिखाई नहीं देगी होगी, लेकिन देखो ये देखो, ओह माय गॉड, बहुत बड़े जड़े इतनी, और सब आम के पेड़ है। नीचे उतर आलो अंदर, मजा आवशे, गाड़ी उभी राखत के। लाइट है यहाँ पे, इंडिया की तरह यहाँ पे सोलर लाइट लग गई है सब जगह। और ये ब्रिज है, और बादल भी बहुत है, पता नहीं रात को बारिश आएगी शायद, बहुत ऊपर है लेकिन शायद बारिश आ ही जाएगी। यहाँ पे ऐसे ही होता है, कुछ भी नहीं होता है लेकिन 5 मिनट में बारिश आ जाती है। देखो गोल्डन पैलेस होटल, बहुत अच्छी है होटल, वाओ। ये देखो भीड़ वाला है यार, सर्कल चोको। यहाँ पे देखो तरबूज मिलता है, कोको मिलता है, सब मिलता है, सब यहाँ पे सब जगह मिलता है। और सींग, सिकी हुई सींग मिलती है, अदरक वाली सींग, अदरक मिलता है ना सूखा हुआ, वो सब मिल जाएगा यहाँ पे। तरबूज मिलता है, अनानास भी मिलता है, अनानास भी बहुत सस्ता मिलता है यहाँ पे। एक अनानास कितने का मिलता है आशीष? 150 सियाफा, यानी 15-20 रुपए का एक अनानास, जो हमारे इंडिया में नहीं मिलता। इंडिया में 60-70 रुपए का एक मिलता है ना, हाँ। ये देखो बहुत सस्ता मिलता है अनानास, तरबूज भी मिलता है, ये मकई, सिकी हुई मकई भी सस्ती, मक्की वो भी मिलती है बहुत सस्ती। ये पूरा नेशनल हाईवे है, इंटरनेशनल हाईवे, अभिजान टुकाना, आप देख सकते हो कितना अच्छा है।
रात को तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत, क्योंकि दोनों तरफ लाइट होती है और ये रास्ता बहुत अच्छा है। वाओ, सिक्स लेन का है ये, इंटरनेशनल कॉलेज है ना, यूनिवर्सिटी, हाँ ये कॉलेज है, महात्मा गांधी, इंडियन इंडियन वालों की है, इंडिया इंडियन वालों की है कॉलेज, बहुत बड़ी कॉलेज बनाई है, देखो ये इंटरनेशनल कॉलेज है, कोई दूसरे की, बहुत बड़ी है, लेकिन बहुत बड़ी कॉलेज है। कितना लेते हैं टोल टैक्स का? 1250 1350 रुपया लेते हैं एक टाइम का। ये रहा इंटरनेशनल जो हाईवे है ना, अभिजान टुकाना, इसके बीच में नया टोल टैक्स बना हुआ है, ये टोल टैक्स है। मेरा वीडियो जो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टेक केयर।